शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो भाई? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो। आइए सक्सेना साहब, बैठिए। देखिए, आपके केस में कुछ नहीं हो सकता। आपने पुलिस के सामने एक आदमी को मारा है और ये केस कैसे लड़ना है मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको बैठने के लिए बोला है, बैठ जाइए। सक्सेना साहब, इस केस को किस तरह से लड़ना है ये हम आपको बताएंगे। देवा, लगता है पुलिस आ गई। तुमको जयकर, इसे पैसे की पूरी बात कर लेना और समझा देना इसे करना क्या है। उधर सामने सीधे चलो। देवा, 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 देख पेपर में क्या छपा है। पुलिस कह रही है कि रज्जी पांडे ने आत्महत्या की है, उसकी लाश रेलवे ट्रैक पर मिली है। क्या? ये चक्कर क्या है? रोले रोले, दिल से रोले, रोने से मन हल्का होता है। रोने से मन हल्का नहीं होता बाबू। मेरे अंदर जो आग जल रही है ना, जब तक मैं उसके खोपड़ी में 8-10 गोली ना डाल दूं ना, मेरे अंदर की आग नहीं बुझेगी बाबू। देख, तू अपना ध्यान यहाँ वहाँ मत लगा, करना क्या है मैं सोच रहा हूँ ना। इसमें सोचना क्या भाऊ, वो मेरा भाई था, मौत का हिसाब तो मौत से चुकता होगा ना। अभी चुप, तुम वो बंद रख, नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। साला फोकट में सीन लंबा किए जा रहा है। रज्जी को जिसने मारा उसको मरना है, वो मेरी बहन का मर्द नहीं लगता है। लेकिन उसको कहाँ मारना, कैसे मारना, वो प्रॉब्लम नहीं है। अभी स्टोरी में जो झटका आया है उसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ। साला एक रिक्शा वाला मेरे आदमी को बाजार में भीड़ के बीच कुत्ते की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारता है, वो भी पुलिस के सामने, और पुलिस बोलती है रज्जी की बॉडी रेलवे ट्रैक पर मिली, वो उसको एक्सीडेंट बताती है, जबकि खेल खुला खुला है। फिर भी पुलिस काला चश्मा चढ़ा के क्यों बैठी है? वो रिक्शा वाले के ऊपर हाथ क्यों नहीं डाल रहे? ये साला स्टोरी में नया सीन है, पहले किसी पिक्चर में देखा नहीं है। ये स्क्रीन प्ले में ऐसा ट्विस्ट आया है, देखना पड़ेगा। हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। हाथ? हाथ तो साफ है मेरे। हम अब ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। अब इस शहर को सुधार कर जाएंगे। मुंबई का ये चौथा अजीबोगरीब केस है। यहाँ जवान बहू बेटे ने अपने ही बूढ़े और बीमार माँ बाप को घर से निकाल दिया है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। एक हफ्ते पहले बहू और बेटे के एनिवर्सरी पर ये फ्लैट उनके नाम गिफ्ट किया था, और अब उन्होंने हमें ये गिफ्ट दिया है ये। हाँ तो प्राची, हमने इनके बहू बेटे से मिलने की बहुत कोशिश की, पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मजे की बात तो ये है कि जिस बिल्डिंग में इन बूढ़े माँ बाप के साथ ये किस्सा हुआ है, उस बिल्डिंग का नाम है मातृछाया, मतलब माँ की छाया। ऐसे में इनकी मदद कौन करेगा, ये देखना बाकी है। We'll be right back.
कौन है आप लोग? अरे छोड़िए, क्या कर रहे हैं मेरे बच्चे? अरे क्या करेगी अपने बच्चों को बचाकर? यही बच्चा बड़ा होगा, शादी करेगा और अपनी बीवी के साथ मिलकर निकाल देगा तुम दोनों को, खड़ा कर देगा घर के बाहर रात भर, क्योंकि इंसान जो कर्म करता है उन्हीं कर्मों की करनी मिलती है उसे। और तू भूल गया अपने माँ बाप की करनी को? अरे तू यहाँ खड़ा है उनकी वजह से, उस माँ ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर तुझे जन्म दिया, ये दुनिया दिखाई, 31 साल अपने सीने के साथ लगाकर मेरा बेटा करती रही, तू उसे भूल गया? याद कर अपनी माँ की करनी को, जो उसने तुझे इतना बड़ा करने के लिए की, और ये सब उसकी ड्यूटी नहीं थी, उसका प्यार था जो तुझे करती थी। तो इस बच्चे की माँ है ना, कितना प्यार करती है इसे? जी बहुत। वो भी उसकी माँ है, कितना प्यार करती होगी उसे? अभी भी देर नहीं हुई, उन्हें बुला लो ऊपर, वरना इसके बाद पछताने को तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। आज अंजू ने मुझको एक अजीब सा सवाल पूछा। क्या? कहने लगी, मैम इस जिंदगी में मैं देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी? कहीं कुछ दिनों पहले हमने अपनी बेटी का ब्याह किया था, अपनी हैसियत के हिसाब से जितना हो सका दिया हमने, पर उन लोगों की मांगे बढ़ती जा रही हैं, अब तो उन्होंने बच्ची को सताना शुरू कर दिया है। आप हमारे लिए कुछ कर सको तो ये उसके ससुराल का पता है। घर का मालिक कौन है? बुलाओ उसे। ये लोग कौन है? पता नहीं, देखिए एक वहां भी बैठा है। आप चाहते क्या है? ब्रह्मानंद शर्मा, नाम जितना महान है कर्म उतने ही नीच। ये लौंडा है तुम्हारा? जी। इसकी बीवी कहाँ है? वो मायके गई है। मायके गई है या तुम लोगों ने भेज दिया उसे? जयकर, इधर आओ। जो बाप तुम्हें अपनी वो औलाद दे दे जो आगे चलकर तुम्हारा वंश चलाएगी, उसे तुम टीवी, फ्रिज और कार मांगते हो? ब्रह्मानंद जी, जी एक बात और याद रखना, आज के बाद ये सिर्फ तुम्हारी बहू ही नहीं मेरी बहन भी है। जी अच्छा। देवा तुम? मैम मैं देवधर शर्मा, सन ऑफ मिस्टर एसबी शर्मा, आपको सूचित करता हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें अंजू पटेल, डॉटर ऑफ अशोक पटेल को दे दी जाए। बारह बज गए, 11 बजे से आप लोग यहाँ क्यों जमा हो गए? कारगिल की जंग लड़कर नहीं आ रहा हूँ, गुंडा हट के 6 महीने काट कर आ रहा हूँ। बस आपसे एक सवाल। किसे बेटे सवाल सुनने का मूड नहीं है? तुम समझदार लगती हो, तुम पूछो। अंदर का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर? अंदर के हालात बहुत खराब है, तकलीफ की जिंदगी है। कैदियों की? नहीं, पुलिस वालों की। 4,240 रुपए पगार क्या होता है उससे? उनके बच्चों की फीस से लेकर चाय बड़ी का खर्चा कैदियों से मांग कर चलता है। मैं सरकार से बात करूंगा, जरूरत पड़ी तो अनशन पर बैठूंगा। सर सुना है कि आप, पहले ये बताओ आप लोग सुनते कहां से हैं? ये सोर्स क्या है सुनने का? नहीं बताने का, धंधे का सीक्रेट है। पूछो क्या सुना है।
सर सुना है कि आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। अभी थोड़ा बहुत दिन ईमान बाकी है, बाद में देखेंगे। अभी और कुछ पूछना है तो हमारे ठिकाने पर आ जाइए, अच्छी सी चर्चा होगी। अच्छी सी चर्चा मतलब आप तो समझदार है। हाँ ठीक है, आना। नहीं 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 नहीं, धन्यवाद 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 मैडम, धन्यवाद। हाँ चलो अभी बताओ हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कौन बताएगा? सिद्धि विनायक मंदिर। इतने साल से मेरे साथ काम कर रहा है, समझता नहीं अगला सीन क्या होगा? शंकर, ए शंकर सो रहा है क्या? नहीं भाऊ। अरे शूटिंग पे जाना जरूरी है क्या? हाँ भाऊ जाना तो पड़ेगा। ए जॉन मुझे बता ना, छोटा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है? हाँ जी भाऊ। जी कहिए। ये उसका छोटा भाई है। अच्छा अच्छा, नमस्कार नमस्कार इंस्पेक्टर साहब। अरे कौन है आप और क्या चाहिए आपको? उठाओ उठाओ सबको उठाओ, राशन कार्ड पे जितना भी नाम है सबको इधर बुलाओ। यही है देवा। अच्छा अच्छा आप है, और आप? भाभी जी नमस्कार नमस्कार। मार बेबी नहीं दिख रही? प्रणाम माँ जी, माफ कीजिएगा आपको इतनी रात को तकलीफ दिया मैंने। आप हैरान हो रहे हैं ना मैं कौन हूँ, इतनी रात को क्यों आया हूँ? माजी मेरा नाम बाबूराव कामले, नाम कोई लेता नहीं, बाबू बाबू करके बुलाते हैं। अभी लोगों का प्यार है, मैंने जिंदगी में पैसा दौलत नहीं कमाई, इज्जत कमाई। पानी दीजिए भाभी जी, आप रहने दीजिए, बेबी पानी लेकर आओ, पानी लो। हाँ जाओ लेके आ। माजी आप बहुत भाग्यवान है। जाओ बेबी सो जाओ, रात खराब मत करो, सुबह कॉलेज जाना होगा ना, जाओ जाओ सो जाओ। माँ जी मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा मेन स्टोरी पे आता हूँ। आपको तो पता ही होगा आपके बड़े बेटे ने मेरे आदमी रज्जी पांडे को मार दिया। जब भी मैंने ये खबर सुना इतना गुस्सा आया ना, इतना गुस्सा आया, गुस्सा तो आया गया ना माँ जी। पांडे मतलब मेरा दाया बाजू था, काट दिया, मगर मैं जेल में था, क्या कर सकता था। फिर मुझे स्टोरी के दूसरे एंगल का जब पता चला तब मेरे समझ में आया कि आपके बेटे ने जो किया वो ठीक किया। अरे माँ बहन इज्जत और आदर के लिए है, फिर अपने देश में भाई बहन की इज्जत का रखवाला होता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भाई राखी बंधवा कर बहन को उसकी इज्जत की रखवाली का वचन देता है, तो फिर कैसे वो अपनी बहन के कपड़े फटते हुए देख सकता है। माँ जी आपको बोलता हूँ, मेरे आदमी ने इतना गिरा हुआ काम किया ना, मुझे बहुत शर्म आती है, तभी तो मैं जेल से छूटकर सीधा इधर आ गया। पांडे की स्टोरी का दी एंड तूने किया है, अभी तेरे स्टोरी का क्लाइमैक्स बाकी है। क्योंकि हमारे इधर हर पिक्चर की कहानी में हीरो अपनी लड़ाई जोश में शुरू करता है, लेकिन आगे उसको बहुत मुश्किलें तकलीफें देखनी पड़ती है। तो आ जाना कल 11 बजे विठलवाड़ी चाल में। तेरे स्टोरी का अगला सीन क्या है उधर ये बताता हूँ। 11 बजे चलो भाई सो जाओ, सब लोग ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर सो जाओ, पूरे सपने नहीं आएंगे। चलो 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 सो जाओ। ए राशन कार्ड का जेरोस कॉपी लेके आना, ओरिजिनल रख के है। बेटा इसे कल 11 बजे मिलना जरूर।